ऑनरेबल स्पीकर सर, आज जो कंडोलेंस मोशन पेश किया गया है सीएम साहब की जानिब से, जो एक सीनियर लीडर नोमुला नरसिम्हा साहब के लिए, ये बड़ी दुख की बात है आपके, हमारे सब के लिए, क्योंकि एक ऐसा सीनियर लीडर जो हमारे बीच में 2018 से, जैसा मैं हूँ कि 2018 से साथ में थे, उससे पहले वो दो मर्तबा हमारा जो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असम्बली थे उसमें 99 और 2004 में दो मर्तबा इलेक्ट हुए थे, वो एक बहुत सीनियर लीडर थे। आज उनको हमारे बीच से खोना ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बेशक जैसा हमने सुना है और मैंने भी काफ़ी फॉलो किया है, ये स्टूडेंट लाइफ से भी एक अच्छे लीडर की हैसियत से थे, मगर दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी बीमारी आई है जो कोविड-19, उस टाइम के ऊपर हम एक अच्छे हमारे अपने साथी को खो गए हैं, जो 1 दिसंबर 2020 के लिए इनके सर्विसेज बेशक न सिर्फ कम्युनिस्ट के पार्टी के साथ में थे, बल्कि कुछ साल पहले से टीआरएस पार्टी में वो जब ज्वाइन हुए थे, उनके सर्विसेज को देखते हुए टीआरएस पार्टी ने उनको वेलकम करके अपने साथ में रखकर एक ऐसी सीट से उनको एक मौका दिया था, जहाँ पे एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर वहाँ पे थे, उनकी सीट से नागार्जुना सागर से उनको मौका दिया, मगर उनके कैरेक्टर, उनके अखलाक के हिसाब से उनको एक बेहतरीन कामयाबी 2018 में मिली थी। मगर अफसोस इस बात का है, शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था कि वो हमारे साथ 5 साल गुजारे और आपके हमारे बीच में रहे, ताकि हम उनकी सर्विसेज को आगे बढ़ाते जाए। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, बेशक इनो जो भी सर्विसेज दिए हैं, आने वाला जो भी वहाँ से नागार्जुना सागर से इलेक्ट होकर एमएलए आएगा, उनके ड्रीम्स को पूरा करेगा, ये बड़ी उम्मीद है। मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से उनके तमाम अफराद खानदान को, बेशक हम उनके दुख में शामिल है, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने का।